सब्जी बनाने से पहले हमने यहाँ पे लिया है दही, मीडियम थिक कर्ड है ये। इस चीज़ का ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, अच्छे से इसको विस्क कर लेंगे। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पतली दही है तो फिर थोड़ा सा स्ट्रेन कर लें। अब हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, आपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं मिर्ची को। उसी के साथ ही हल्दी पाउडर, उसी के साथ ही धनिया पाउडर, अच्छे से इन तीनों चीज़ों को भी हम विस्क कर लेंगे। दही में इस तरह से मसाले डालने से दही फटती नहीं है जब भी हम सब्जी में डालते हैं। अब हम करते हैं तड़के की तैयारी। तड़के के लिए एक पैन में हम लेंगे ऑयल, जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसमें हम डालेंगे जीरा, और यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च लिया है। जैसे जीरा हमारा क्रैकल हो जाए फिर हम डालेंगे इनको। इसी के साथ ही हम डाल दें यहाँ पे प्याज। अब इन प्याज को बहुत देर तक हमें भूनना है, करीबन 4 से 5 मिनट के लिए। कलर एकदम ब्राउनिश हो जाना चाहिए तब तक हम इनको भूनेंगे। प्याज इस तरह से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब जो हमने दही अच्छे से विस्क की थी मसालों के साथ वो हम इसमें डालेंगे। जब भी दही आप डालते हैं फ्लेम एकदम आपका स्लो होना चाहिए। जब भी इस तरह से आप दही डालते हैं एक तो आपको कंटिन्यू चलाना चाहिए, फ्लेम आपका स्लो होना चाहिए, और नमक हमेशा दही के बाद पकने के बाद आपको डालना है। जब भी दही के साथ हम नमक डाल देते हैं तो ग्रेवी बहुत जल्दी फट जाती है। इस तरह से ऑयल एकदम अच्छे से रिलीज हो जाए, ग्रेवी हमारी पक जाए, तब हम इसमें डालेंगे टमाटर। मिक्सर में ग्राइंड करके फिर मैंने लिया है। अब हम इसे पकने देंगे बहुत अच्छे से, जब तक कि सारा ऑयल रिलीज ना हो जाए तब तक हम अपने आलू और शिमला मिर्च को भून लेते हैं। आलू भूनने के लिए हम लेंगे यहाँ पे बटर। मैं बटर का यूज़ कर रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही बटर मेल्ट हो हम इसमें डालेंगे प्याज, इस तरह से जूलियंस कट में है, और शिमला मिर्च। अनियन और कैप्सिकम को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, हल्का सौते करना है क्योंकि इनका क्रंचीपन रहना चाहिए। इसी के साथ ही हम इसमें डाल देंगे आलू। अब हम इस पर डालेंगे नमक। सब्जी में नमक नहीं डाला है हमने तो यहीं मैं डाल रही हूँ सारा। अच्छे से हाई फ्लेम पे इसको सौते होने दें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ग्रेवी हमारी बहुत अच्छे से पक चुकी है, इसमें हम डालेंगे गरम मसाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी, और इसमें हम डाल देंगे जो आलू प्याज और शिमला मिर्च हमने भुने थे वो। अब हम डालेंगे पानी, यहाँ पे गरम पानी हम डाल रहे हैं। और इसे पकने देंगे हम 3 से 4 मिनट के लिए। आलू हमारे अच्छे से हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना और बहुत ज़्यादा देर कुक नहीं करना है क्योंकि जो कैप्सिकम और अनियन है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होने चाहिए। अब हम डालेंगे हरा धनिया और इसको सर्व करेंगे। तैयार है हमारा आलू भुना मसाला, बहुत ही टेम्प्टिंग और बहुत ही डिलीशियस।